वेलकम बैक। कैसे हो? पहले यदि इंसान शादी ब्याह करता था तो पीढ़ी को उगाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, माताजी परलोक सिधार ले उससे पहले उन्हें पोता दिखाने के लिए। लेकिन आजकल ये 24-25 साल के लौंडे और लौंडियों का दिमाग चटक गया है। नग्नता और हवस का जाल ऐसे बुना जा रहा है जैसे बच्चों के लिए स्वेटर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम मस्ती करने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और वीडियो का एंजॉय लीजिए, ठीक है। वीडियो का एंजॉय लीजिए। ये बहनचोद पति पत्नी का रिश्ता है या सामूहिक प्यार चल रहा है? एक लड़की से शादी कराने का रिवाज इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी प्यास उसी के कुएं से बुझाएं। सही बात है। ये लौंडा चूतिया हो गया, अपनी बीवी की इज्जत को खुलेआम नचा रहा यूट्यूब पे। जो चीज शर्म लिहाज इज्जत के दायरे के अंदर आती है उसका भी खुला नंगा नाच मचाया जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भारी है बीवी? भारी नहीं हूँ ना दोस्तों, बहुत हल्की हूँ। हमसे पूछ रही है, अबे दिमाग घुटनों से नीचे गिर के पॉली में चला गया है क्या? हमें क्या फोन में तेरा वजन दिख रहा है? उठा तुझे तेरा पति रहा है, पूछ तू हमसे रही है क्या? बकचोदी सिर पे चढ़ के नाच रही है क्या? ना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। मैं इसको फेंकने वाला हूँ दोस्तों, आके बंद मत करना, अगर ये फेंके तो आप लोग कैच कर लेना। पति पत्नी व्लॉग, सुंदर पत्नी लाने के यही फायदे होते हैं, बाहर कमाने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पे ठरकियों की कमी थोड़ी है। दिखाने वालों में भी ठरक, देखने वालों में भी ठरक, चारों तरफ ठरक ही ठरक। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इसका पति फेंकेगा और हम फोन में घुस के कैच करेंगे। इनकी यही भसड़ चोदी करते करते पूरी रात निकल जाती है। कृपया अपनी बेटी को किसी चूतिए के घर भेजो तो उसे थोड़ा दहेज दे के भेजो, ताकि ये भोसड़ी के उसकी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ ना कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शहरों में जहाँ थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहां ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन गांवों में इनकी तादाद ऐसे बढ़ रही है जैसे कोरोना के केसेस बढ़े थे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसीलिए कहते हैं कि जीवन में पढ़ाई लिखाई और दिमाग का विकास बहुत जरूरी है, ताकि तुझे पता रहे कि बीवी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी घर के बाकी सदस्य, भाई बहन और माँ बाप। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? बस भाई, इन चमगादड़ों पे अपना माथा खपाना बेकार है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऑक्टोपस बाबा। ओके। दुनिया भर की बकचोदी देखने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए और अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। बाकी मेरा दूसरा चैनल ऑक्टो बाबा, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ वीडियो थोड़ी बड़ी होती है, लॉजिकल होती है, कॉन्ट्रोवर्सल होती है एंड अनबाइज्ड होती है। ठीक है समरिया, यहाँ तो मैं बस बकचोदी करने आता हूँ। आपको रियल कंटेंट ऑक्टो बाबा पे ही मिलेगा, तो जाइए सब्सक्राइब करिए। और अगर बकचोदी देखने में मजा आता है तो यही घर है अपना। बाय।